गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है बिकॉज जैसे ही उठी थी ब्लॉग मैंने एडिट नहीं करा था। रात को जल्दी नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी, एंड ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके अब फ्री हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और समटाइम्स रह जाते हैं, नीचे से लेट जाते हैं, ऊपर थोड़ा मूवी वगैरह दिखने में लग जाते हैं, इसी वजह से ना कई बार ब्लॉग रह जाता है, फिर नींद आने लग जाती है और फिर मुझे पता ही नहीं चला कब मैं एकदम से सो गई। तो उठते ही मैंने फिर फटाफट ब्लॉग एडिट करा और अपलोड हो गया। तो अभी तो बस चाय वैसी खाया है, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। मन्नू का भी फोन आया, कह रहे जहाँ स्कूटी लगाते हैं वहाँ पर ना ये अपनी डेटा केबल छोड़ गए थे, कह रहे थे अभी लेने आ रहे हो। ये छोड़ गए थे मन्नू, गिरा गए, कह रहे अभी आ रहा हूँ ले जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो शुक्र है टाइम पे बता दिया। आ जाओ, ये सही टाइम पे बोल दिया, दुकान से आया हूँ। हाँ सही टाइम पे बोल दिया, वरना कोई और ही ले जाता इतने में तो। हाँ दुकान में पहुँचने के बाद मैंने कहा डिलीवरी नहीं है, फिर मैंने कहा यहाँ पर जेब में डाल रहा था। हाँ कोई नहीं, वो अडेप्टर ले लिया था। हाँ अडेप्टर ले लिया था, ठीक है। तो मैं आज बना रही हूँ राजमा चावल। तो ये तड़का तो रेडी हो चुका है, राजमा को भी बस सीटी ऑलमोस्ट लगी है, तो चावल भी अब साथ साथ चढ़ाती हूँ और हमारा लंच हो गया है रेडी आज का। नेल पेंट लगा रहे हो आज मम्मी? हाँ। परी आपके लगाए नेल पेंट? नहीं खूब सुंदर देखो, सुंदर हो जाएंगे आपके। हाँ सब लगाते हैं गर्ल्स। अभी थोड़ी बड़ी होने के बाद ये फिर बोलेगी मेरे नेल पेंट लगाओ। मेरी लिपस्टिक इसने सारी तोड़ मारी, इसने ये बिंदिया भी तो लगा लेती है, बिंदिया भी उतार दी और लिपस्टिक मेरे साथ तोड़ दी ना मेरी लिपस्टिक। हाँ बढ़िया। डॉक्टर जी कुछ ध्यान से देख रहे हैं आपको लगाते हुए। देख परी देख। अभी इसका मुंह नीचे हो गया, अभी मेरे को परी दवाई पिलाएगी। दवाई पिलाओगे चाची की दादी को? तो खाना तो बन गया, खीरे काट लेती हूँ। हाँ। खीरा खाओगी परू? नहीं दादी खिले अनार दे चाची। लंच तो रेडी हो चुका है, राजमा चावल जैसा दिखाया था बन चुके हैं। मन्नू का तो काफ़ी टाइम वेट करा, अब आई नहीं रहे, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं अगर तक स्टार्ट करती हूँ खाना अपना। सो गाइस बस मन्नू तो आए थे लंच करने के लिए, बट वो बहुत जल्दी में आए थे तो जल्दी से उन्होंने लंच किया चले गए, तो शूट नहीं कर पाई थी मैं। फिर लंच करके मैं आ गई थी ऊपर, मतलब ऊपर का समेटा एंड रेडी हुई हूँ। तो मेरे पास मैंने बताया कमेंट्स आते हैं लोगों की, आप हमेशा वेल ड्रेस होकर ला करो नाइट सूट में नहीं। तो अब मैंने ये सोचा किचन तक का काम जितना रहेगा ना, बिकॉज ऐसे सूट पहन के तो मैं किचन का ऑब्वियसली काम नहीं कर सकती। बाकी मैं एक एप्रन ले आऊँगी कि इनकेस करना पड़े तो एप्रन दे करो, कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि किचन में आपको पता है हल्दी के कभी तेल के कुछ भी दाग लग सकते हैं। तो किचन का काम करने के बाद मैं फिर तैयार हो जाया करूँगी। और क्या कहते हैं गाइस, आज क्या कहते हैं कॉमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने कॉमेंट्स ही रीड कर रही थी ना। बीच बीच में अभी जैसे कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ तो मैं भी एक एक करके आप लोगों के भी रिप्लाई कर देती हूँ। सूट जो मैंने पहना हुआ है ये है जिया कलेक्शन की साइड से। अभी मन्नू थोड़ी देर में आएंगे ना तो उन्हें बोलूँगी कि एक बार वो फुल लुक दिखा देंगे, ऐसे मैं फुल लुक नहीं दिखा पाऊँगी अपने सूट का। रील्स बनाई है मैंने, सो गाइज रील्स देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट की जो आईडी है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज़ जाके आप जल्दी से फॉलो कीजिए। भाई मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको हमेशा बता दो मैं यहाँ पे होती हूँ। क्या बात है, चमक रहे हो ऊपर से नीचे तक? चमक रही हूँ। थैंक यू, मैंने भी अपनी फुल लुक भी नहीं दिखाई है। अच्छा। मैंने कहा मन्नू आएंगे वही दिखाएंगे, तो अभी मैंने अच्छा लग जाने का प्लान है। कई मम्मी कहाँ चार चार होकर बैठी हुई है? अरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, कह रहे कि आप न्यूली मैरिड हो तैयार होकर रहा करो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मैंने कहा क्यों वो कह रहे ना, कह रहे इन्फ्लुएंसर हो अब नाइट सूट पहन के मैरिड गर्ल्स को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि नाइट सूट पहन के रहो। मैंने कहा भाई नाइट सूट घर पे रहते हैं तो फ्री कम्फर्टेबल पड़ चुकी है, पहनने पड़ते हैं, कहीं बाहर जाओ तो तैयार होते हैं। पर कोई नहीं तैयार, वो कह रहे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा तैयार होके। मैंने कहा चलो ठीक है। पूजा तुमने एक बार नोटिस करी क्या, मैंने तुम्हें दिन में क्या बोला था, किसका कमेंट आएगा आज, किसका
मोना जी का हमारे अच्छा, हाँ उनका आ रखा था, चंडीगढ़ आ जाओ। मैं कुछ अभी मैं ढंग से पढ़ूंगी। मोना जी हाथ जोड़ के सॉरी है, एक्चुअली क्या रीजन हुआ कि टाइम नहीं मिल रहा था और बियर्ड दाल ये इतने बाल बड़े हुए, कभी आज तक इतने नहीं रखे मैंने। नहीं नहीं, द रीजन क्या था दुकान का, बुधवार को आपकी जो भी कम्प्लेंट है सारी पूरी हो जाएगी, दाढ़ी दूढ़ी बाल वाल सब अब करवा लेना भाई। और मैं आपके बारे में बात ही कर रहा था पूजा से, नगर देखना इनका कमेंट जरूर आएगा। हाँ। और आज फिर आपका कमेंट आ गया। हाँ। कोई नहीं, बुधवार को आप पूरा ओके हो जाएगा। ठीक है, बुधवार भी आएगी, आज मंडे तो है परसों है। बुधवार सुबह सुबह जल्दी उठा देना मुझे, ठीक है, और अपना सैलून चला जाऊंगा, मैंने बात कर रखी है। ठीक है, 10 बजे का टाइम है, 9 बजे उठा देना। ओके डन, ठीक है डन। ओके अब इतना तैयार हो तो चलो फिर मम्मी, भाई और अगर इतना तैयार है ठीक है तो आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, जिया कलेक्शन की साइड से आया था, बहुत ही कलरफुल सूट है ये ना, पता है कौन सा प्रिंट है, आलिया भट्ट की वो मूवी नहीं थी रानी रानी वाली, उन्हें उसमें ना जब प्रमोशन हुए थे तो उसने ना ऐसा सेम कलरफुल सी ना वो पहनी थी साड़ी, वेयर करी थी प्रमोशन के टाइम पे। अच्छा, ये आलिया भट्ट प्रिंट ही है काइंड ऑफ ना, मेरे को उसकी साड़ी तब बहुत पसंद आई थी, मैंने सोचा था शादी के टाइम पे लू, बट मैंने कहा फिर लाइट रहेगी, अब ये आई गए अब हुई गए, तो बहुत सुंदर नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है पहना हुआ। हाँ, होली की वो आ रही है कलरफुल सी होली वाली बन गई मैं पहले ही, तो ये इनका दुपट्टा ये जॉर्जेट में है गाइस, बट जॉर्जेट जो है इनका बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला है, अच्छी क्वालिटी वाला जॉर्जेट है, तो पूरी लाइनिंग के साथ है, एंड ये नीचे ये ब्लू कलर की ऐसे में पैंट्स इसकी दे रखी है, ये ऐसे ही सेम फैब्रिक में कलरफुल दुपट्टा है, बैक से ये है ऐसे, और ये ऐसे इसमें साथ पूरा ऐसे का ऐसे ही आ रहा है, तो मेरा जो साइज है वो है आई गेस मैंने 36 में मंगवाया है, तो अगर मतलब आप इनसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, तो थैंक यू सो मच जी, आप बहुत बहुत सुंदर है, मैं पहले सोचा हुआ था पहनने का बट वो नहीं हो पा रहा था कि अभी गर्मी इनकी 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 कलेक्शन अच्छी है, काफी अच्छी है, कलेक्शन बहुत पसंद आया। जिया जी जियो 100,000 साल। तो कॉमेंट्स में जरूर बताना गाइस आपको सूट कैसा लगा है। सो गाइस हम लोग तो निकले हैं, तो ना बाहर निकलते हैं, हम निकल तो जाते हैं बट कंफ्यूजन ये होती है खाए के या खाए के और कहाँ जाए, मतलब हम रात में कहाँ अच्छी जगह पे जाए, तो मैंने सडनली मेरे ऐसे मन करा मैंने कहा चलो पाव भाजी खाते हैं, तो पाव भाजी झकास पाव भाजी की तो बहुत अच्छी होती है पंजाबी बाग में मिलते हैं, बट वो 11 बजे तक ही होता है, अभी हमने गूगल पे करा, फिर एक हमें यहाँ पे दिखा कुछ भी चलेगा कुछ है जनकपुरी में तो पास नहीं पड़ रहा, हमने कहा चलो वहीं पे चलेगा कुछ भी अब वहाँ पे जाके ये ना हो कि हमारा चेंज हो जाए प्लान, कुछ भी देख कर हमारा पाव भाजी से मन हट जाए, बाकी भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी जो इनका तो मन है पाव भाजी खाने का, मैं कहा ठीक है खिला खिलाता हूँ। पाव भाजी ना वो वहाँ पे हमने खाई थी ना गोवा में खाई थी, उसके बाद बहुत यम्मी थी। हाँ, अब मन कर रहा है दोबारा पाव भाजी खाने का, चलो देखते हैं कुछ भी चलेगा में क्या मिलते हैं। सो गाइस हम मतलब 8-9 मिनट मतलब ट्रेवल करके यहाँ पे आए, बहुत दूर दूर बट 8-9 मिनट से ही, तो गूगल पे शो कर रहा था कि अभी ओपन है बट यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा, इस रोड पे आए हैं तो फोन करा तो वो कह रहे हैं कि 10 बजे क्लोज हो जाते हैं, और अभी भी दिखा रहा है ओपन है गूगल पे भी, तो हमेशा कहीं पे भी जाए रात के टाइम पे कहीं पे भी फोन जरूर करना कहीं पे जाके पहले जाने से पहले, बिकॉज गूगल ने गलत दिखाया, हर बाकी हमने कई जगह देखी हर जगह पे क्लोज दिखा रखा था बट ये वाला ओपन दिखा रहा था, हमने कहा चलो ठीक है अभी हम वही रोड पे नजर मार ही रहे हैं, जनकपुरी मार्केट आए हैं तो हमने कहा देख लेते हैं कहीं कुछ खुला हो, बट सब कुछ बंद है, क्या कह रहे हो आप? मैंने बोला भी था फोन कर लो, मगर भाई से कोई जीत पाया कोई बहस कर पाया, मुझे लगा ओपन दिखा रहा ओपन ही होगा, पपट हो गया, कोई नहीं आज कुछ भी नहीं चलेगा, आज कुछ भी चलेगा से कुछ भी नहीं चलेगा, मगर कुछ और चलेगा आज, अब देखते हैं हमारी किस्मत में जो हम खाना हमारे दाना लिखा होगा हमारी किस्मत में वो हमें मिल जाएगा, देखते हैं क्या खाते हैं कहाँ जाते हैं, दिल्ली दिल वालों की है पूरी रात खुली है जो बोलोगे, यहाँ पे तो काफी खुली हुई है, अब हम आ चुके हैं C4E मार्केट, यहाँ तो पूरी नाइट खुली रहती है, देखते हैं क्या मिलेगा बढ़िया खाना अच्छा सा। हाँ। तो हम लोग अभी यहाँ पे कौन सी मार्केट है मनु? C4E मार्केट। हाँ जी खाना भैया C4E, तो यहाँ पे सिर्फ चाइनीज ही अभी मिल रहा था, तो चाइनीज में हमारा नूडल्स खाने का मन तो नहीं था, घूम फिर आगे मोमोज में आ गए, बट हाफ प्लेट ही लिया ज्यादा नहीं लिया, और वो भी तंदूरी लिया हमने, स्टीम में दिक्कत आती है ना, नहीं फ्राइड सिर्फ तंदूरी ली, तंदूरी ली है, चलो बस कितनी देर, ये प्रेम चाइनीज फास्ट फूड बढ़िया होते हैं, पहली बार ट्राई कर रही हूँ यहाँ का, चलो अच्छी बात है देखते हैं।
गाइस ये वो आ चुके हैं हमारे तंदूरी मोमोज भट्टी से निकल के, क्या बात है गाइस। हम लोग बिल्कुल टाइम पे आए हैं बिकॉज अभी ये भी सारा कुछ बंद होने लग गया है ना, और हमारे मोमोज भी आ चुके हैं। अभी चेक कैसे करूं पनीर कौन से हैं? देखो मन्नू ने अपने लिए चिकन लिया है, मैंने अपने लिए पनीर मोमोज लिया है। वो कह तो रही ये वाले चिकन मोमोज है, दोनों एक जैसे ही है ना, चिकन ही है वो तो दिख ही गया, चिकन है ना। और मैंने अपने लिए लिया नींबू, चले टेस्टी है। गाड़ी में बैठ के खा लेते, बंद ही हो रहा है यहाँ पे तो, ठीक है चल गया। घर तो हम लोग आ गए थे वापस, एंड वहाँ के जो मोमोज थे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तंदूरी मोमोज बहुत अच्छे थे। सो डिनर तो हम लोगों ने किया नहीं, बस नीचे से हम फिर ऊपर ही आ गए, थोड़ी देर नीचे बैठे फिर ऊपर आए गए। एंड मैंने ये वाली मनु की टी शर्ट में करके अच्छी लगती है वाली ना, ऐसे वाली लूज लूज सी होती है कॉटन की, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैंने मनु की टी शर्ट सी पहन ली थी रात में। सो गाइस मैं ना अभी कमेंट्स रीड कर रही थी आप लोगों के, तो मैंने कहा कुछ लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई मैं ब्लॉग में ही कर देती हूँ। तो एक नाम बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा था कि नेचर लवर का था, जब आपके ससुर जी बाहर से आते हैं तो आप पानी दिया करो, पीने को बाकी काम बाद में किया करो, तो ऐसे बहुत से आगे रिप्लाईज आ रखे थे। सो गाइस हमें ना हमेशा जब भी पापा आए हैं, पहले भी ब्लॉग्स में देखा ही होगा, हमेशा पूछा चाय ठंडा गर्म कुछ पीना है तो आप बता दो, पापा हमेशा नहीं पीते, पापा की क्या ड्यूटी है। पापा जैसे ही आते हैं ना, पापा सीधे नीचे जाते हैं शॉप बढ़ाने के लिए, क्योंकि पापा 10:30 10:40 के अराउंड ही आते हैं, तो शॉप बढ़ाने का टाइम हो जाता है, तो पापा पहले वहीं जाते हैं। और हम हमेशा ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुर जी है तो मैं इसलिए नहीं पूछ रही, हम मम्मी ने भी पूछे थे बट पापा ने मना ही किया था, तो ये वजह थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछ रही। और आनंद शर्मा जी का आ रखा था नाइस ब्लॉग एंड यूजफुल मस्कारा ट्रिप, तो गाइज मेरे पास ना बहुत सारी ऐसी यूजफुल टिप्स है। वैसे तो मैंने बोला ही हुआ कि मैं अपना मेकअप चैनल स्टार्ट कर रही, तो उसमें मैं ऑब्वियसली मेकअप करते करते तो टिप्स ज़्यादा याद आ जाती है, बाकी कभी होगा तो मैं ऐसी टिप्स आपके साथ हमेशा ही शेयर करूँगी। एंड आप लोगों की भी कोई मतलब आपको कोई दिक्कत लगता है कि कहीं पर कुछ है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, सो दैट मैं वो आपको वो टिप बता पाऊँ। और मतलब और भी लोगों के यही कमेंट आ रहे थे पापा को लेकर, जैसे एक आ गया वैशाली सूरी जी का कि आपके फादर इन लॉ बहुत केयरिंग है, लकी हो आप, टच हो रही, पापा सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और क्या कहते हैं पायल अग्रवाल जी का आ गया, ये वाले आलू की सब्जी की रेसिपी दो प्लीज़। श्योर पायल जी, मैं आपको ये वाले आलू की सब्जी की रेसिपी दूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, एक बार में मतलब बहुत इजीली बन जाती है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मम्मी भी जब घर पे बनाते थे ना शादी से भी पहले भी, मतलब हम लोगों के ना मुंह में पानी आ जाता जैसे ही बनते थे ना, कि हो जाता फटाफट बस हमारे प्लेट में आ जाए। और रोटी के साथ ही ऐसे ही खाने में इतने अच्छे लगते थे कि तुम बस ऐसे ही खाते रहो। सो रंजीत कौर जी का आ रखा है नाइस आइडिया टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर गेटिंग एक्सपोजर टू न्यू कस्टमर्स। यस गाइस मनु के जो शॉप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके आप उस पर क्लिक करके इनवाइट ग्रुप का ऑप्शन आएगा ऐसे, उस पर कर लीजिए तो मनु आपको ऐड कर लेंगे। एंड जो भी फ्रेश आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रुप में अपडेट रहते हैं, तो अगर आपको परचेज करने हैं ऑनलाइन हमारी शॉप से तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आ रखा है कनिष्का ठाकुर जी का, मनु भैया को बोलो अपनी शॉप पर ईविल आई लगाए और शॉप के अंदर गुरु जी की फोटो ज़रूर लगाए, आपको सजेशन अच्छा लगा तो ज़रूर अप्लाई करना। ये ईविल आई का मैंने सोचा हुआ है, ईविल आई और ये सब भी जो भी फेंगशुई की चीज़ें होती है ना, ये तभी से ही रहती है जब कोई बंदा गिफ्ट करे, तो मैंने मनु को बोला हुआ था कि मतलब ये कमेंट से भी पहले मैंने बोला हुआ था, यस मनु मैंने आपको ईविल आई वाला जो एक ट्री आता है ना वो मैं आपको गिफ्ट करूँगी, वो आप अपनी शॉप के आगे आगे ही रखना। तो ये एक आ रहा था शिल्पा मेहरा जी का, आज आपने मेरा कमेंट रीड किया, डू यू बिलीव कि मैंने कितनी बार सुना बैक कर करके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शिल्पा जी। एंड यस मैं ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट्स रीड करती रहूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। पूजा मैं का वीडियो कब बनाओगी वी गुरु जी? बहुत जल्दी, अब तो मैंने इंस्टा पे भी काम स्टार्ट कर ही दिया है, तो इंस्टा की रील्स मैं बनाती जा रही हूँ। इंस्टा की आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिन लोगों ने नहीं कर रखा फॉलो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड मेकअप वीडियोज़ भी बहुत जल्दी, मतलब मैं सोच रही हूँ विद इन अ वीक मैं अपना चैनल स्टार्ट कर ही दूँ। और एक का आ रहा है गरिमा शर्मा का, अगर मैं वीडियो बना रही होती और न्यूली मैरिड होती तो ठीक से रहती, क्योंकि पता है सब लोग देख रहे हैं, ठीक से रहना चाहिए।
तो गरिमा पता क्या होता है कि ना जैसे ना मैं पहले दिन ना स्टार्टिंग में आई थी जब हमने स्टार्ट करा था अपना चैनल तो ना मेरे को हमेशा होता था मैं ना रेडी होके आऊँ ऐसे ना आऊँ बहुत अच्छा नहीं लगेगा तैयार होकर आऊँ मतलब थोड़ा होता है कि स्टार्टिंग में बट जैसे जैसे ना हम ब्लॉग की यूज टू हो गए सो अब मोर इनटू रियलिटी आने लग गए तो जैसे हम रहते हैं वैसे ही हम दिखाते हैं कि ऐसे नहीं कि स्पेशली तैयार होता बट ये आप लोगों ने बोला हुआ है तो से मैं तैयार अब आज वाले ब्लॉग में भी मैं रेडी ही रही हूँ तो अब आगे से यही ट्राई करूँगी कि मैं हमेशा रेडी होकर ही मिलूँ आप लोगों को अगर आप लोगों को ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं उसी में ही खुश हूँ। और बलजिंदर कौर जी का आया था आपके पापा क्या काम करते हैं पूजा जी बहुत अच्छा नेचर है उनका भाई गुरु जी हमेशा खुश रखे आपकी फैमिली को थैंक यू सो मच। एंड पापा है वो फोटो फ्रेम्स का काम करते हैं हमने ब्लॉग में बता रखा है। कोमल निषाद जी का आया था रात भर घूमते हो तो नींद कहाँ पूरी होगी अपने घर और फैमिली का भी ध्यान देना चाहिए सो ये बताइए हम रात भर कहाँ घूम रहे हैं हमेशा हम घर पर ही होते हैं रात भर हम आपको कहाँ घूमते हुए दिखे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। सो गाइज बस आज वाले यही कमेंट्स है तो बाकी जो हो गए व्लॉग में मैं क्या कहते हैं ट्राई करा करूँगी कि मैं डेली कमेंट्स रीड करा करूँ तो कमेंट्स में आप ये भी बताना आपको मेरे ऐसे कमेंट्स रीड करना अच्छा लगता है या नहीं लगता। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं कल वाले व्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय।